स्टूडेंट्स, दिस इज नवीद जाफर। आज हम पर्सपेक्टिव के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा परमुटेशन। अब ये परमुटेशन क्या है, परमुटेशन को समझने के लिए पहले उससे रिलेटेड जो कुछ बातें हैं उनको हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो परमुटेशन से पहले कुछ जरूरियात जो है उसमें सबसे पहला नंबर है फैक्टोरियल। अगर आपको फैक्टोरियल, चूंकि बार बार उधर यूज होना है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक्चुअली फैक्टोरियल क्या है। अब फैक्टोरियल आप आमतौर पे देखते हैं जब आपके पास कुछ नंबर लिखे हुए हो, लेट्स से दैट 1.2.3.4.5, तो एक मल्टीप्लिकेशन में कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स 1 से ऑनवर्ड लिखे जाते हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको अंदाज से लिखें, आप उसको लेट्स ये 5 पे क्लोज हो रहा है तो आप उसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उसको लास्ट नंबर जो बन रहा होता है उस पर क्लोज कर दें। लेट्स से दैट मैं बात करता हूँ, हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये 9 तक आपके पास ये नंबर आ रहे हैं तो आपने इसको 9 फैक्टोरियल पे क्लोज कर देना है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और एक और चीज फर्ज करें, यही 9 फैक्टोरियल है, इसको आप लिख सकते हैं 9 पर पीछे की तरफ आते जाए 1 तक 8, 7, लेट्स 6 पे आके क्लोज कर दें। जिस नंबर पे आप चाहें आप उसको उस नंबर पे क्लोज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब इसके बाद इसके कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उन के ऊपर एक रोशनी डालते चले। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में अगर आप देखते हैं तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट में फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है, मैं बात करता हूँ एन फैक्टोरियल, तो वो तो हमें पता चल गया कि वो एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू और अप टू 3, 2, 1 तक क्लोज करेंगे हम। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो लिखा हुआ है, लेट्स 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अब आमतौर पर ये नहीं करना कि 2 को साइड पे कर दे और साथ n फैक्टोरियल आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो रिजल्ट बनेगा वो आपके पास आएगा, वो आपके पास आएगा 2 raised to power n, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ n फैक्टोरियल, और इसके साथ आपके पास बनेगा 1, 3, 5 अप टू, ये ऑड नंबर्स का एक सीक्वेंस है जो साथ इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये आपके पास इसके डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी प्रिकॉशंस में लिखते जाइए, ये मैं आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे 1, 2 और इधर 3 पे आ जाता हूँ। इसमें आप देखिएगा, आपने ये बात याद रखनी है कि 2n फैक्टोरियल इट डजंट मींस दैट इज 2 टाइम्स n फैक्टोरियल, ये बात जहन नशीन कर लें कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। उसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर m प्लस n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल है, वो एक अलग चीज है, ये अलग। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है कि अगर आपके पास m n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो ये नहीं हो सकता m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपके पास ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसी से रिलेटेड, वो ये है कि व्हाट डज मींस बाय दैट 0 फैक्टोरियल। ये जो 0 फैक्टोरियल होता है ये किसके इक्वल है, तो रिमेंबर दैट जो आपका 0 फैक्टोरियल है ये हमेशा 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। और अब हम मूव करेंगे आगे परमुटेशंस की जानिब और देखते हैं कि परमुटेशंस में हमारे पास इससे रिलेटेड क्या चीजें हैं। इसको सेव करने के बाद हम परमोटेशंस पे मूव करते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं हम परमोटेशंस की। परमोटेशन एक्चुअली क्या है, किसको है? परमोटेशन आपकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, अगर पहले आप प्रॉपरली इसको डिफाइन कर और फिर डेफिनेशन के बाद में अगर आगे मूव करूं तो मेरे ख्याल में ज्यादा सुटेबल होगा। अब परमोटेशन जो है आपके पास वो क्या है, मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिख दूं, Each of different arrangements, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, each of different arrangements, each of different arrangements, ये आपके पास different arrangements जो हैं, can be made by taking some, can
बी मेड बाय टेकिंग सम, मेड बाय टेकिंग सम, कैन बी मेड बाय टेकिंग सम आर ऑल ऑफ गिवन नंबर, आर ऑल ऑफ गिवन नंबर्स, आर ऑल ऑफ गिवन नंबर और थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करता हूं, एट अ टाइम इज कॉल्ड परमिशन, एट अ टाइम इज कॉल्ड परमुटेशन। अच्छा, फॉर्मूले की जानिब भी चलते हैं, लेकिन पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें कि क्या मतलब है इस बात का, जरा गौर कीजिएगा, फिर मैं फॉर्मूले की जानिब भी आता हूँ। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ये कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे आपके पास ए बी सी कोई तीन ये अल्फाबेट्स हैं, तीन जो है नंबर्स हैं, इस तरह से 1 2 3 भी आप लिख सकते हैं। आप इसको कितने तरीकों से रीअरेंज करके लिख सकते हैं, इसको परमुटेशन कहते हैं। वो आपके पास मेथड हो सकते हैं, ए बी सी आ सकता है, ए सी बी आ सकता है, बी ए सी आ सकता है, बी सी ए आ सकता है, उसके बाद सी ए बी आ सकता है और सी डी ए आ सकता है। तो ये 6 पॉसिबल आपके पास आउटकम्स इसके बन जाएंगे। इसके अलावा आप इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, इसी चीज को परमोटेशन कहते हैं कि इसकी जो परमोटेशन है वो बनती हैं। तो ये आपके पास इसी तरह ट्रायंगल की एग्जांपल्स मोस्टली दी जाती हैं। तो ये परमोटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन फॉर्म्ड बाय दिस गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो ये आपने उस गिवन सेट ऑफ नंबर से इसको रीअरेंज करके देना होता है। तो ये एक परमोटेशन की सादा सी डेफिनेशन थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला के अंदर आप देखिएगा जो परम्यूटेशन को एन पी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला बनता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल जो फॉर्मूला है, इस पे आप थोड़ा गौर करें तो ये आपके पास एक सिचुएशन बन जाती है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे एन क्या है, ये उसमें से टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर्स जिनकी भी बात हो रही, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें आर की, तो आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, सिलेक्टेड परम्यूटेबल, सिलेक्टेड परम्यूटेबल नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स। अब ये सिलेक्टेड परम्यूटेबल नंबर या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कि उनमें से कितने नंबर्स को आपने रीअरेंज करना है, कितने नंबर्स को रीअरेंज करना है। एंड रिमेंबर दैट ये आपका 0 से लेके आर जो है वो एन के दरमियान लाए करेगा। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मैं आगे इसके कुछ रिजल्ट्स, आगे कुछ चीजें आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर इसकी कोई एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको इससे मजीद आइडिया हो जाएगा। अब एग्जाम्पल को देखिएगा, लेट्स से दैट मैं कहता हूँ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं वो हमारे पास एन कर दें और वो है 5। कहता है कि 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं, आपने इन 5 फ्लैग से आपने सिग्नल्स बनाने हैं 3 फ्लैग्स के। तो आपने क्या करना है, लेट आर इज इक्वल्स टू 3 बी द सिलेक्शन ऑफ परम्यूटेबल्स जो आपने परम्यूट करने हैं। तो आर आपके पास 3 हो गया जितनों के आपने सिग्नल्स बनाने हैं। तो आपके पास यहाँ पे एन पी आर का फॉर्मूला है, जिसको बेसिकली हम करेंगे 5P3। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर का आप ऑप्शन नहीं होगा टेस्ट के अंदर, तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 5 4 3 2 1, आपने फैक्टोरियल को ओपन कर दिया और ये 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल है, तो ये आ जाएगा 2 1। 2 1 को 2 1 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शंस में आ जाएगा 60। सो 60 तरीकों से
आप 5 फ्लैग्स में से तीन तीन फ्लैग के सिग्नल्स बना सकते हैं। ये इसका वे आउट था कि किस तरह से आप हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज्ड इन सच सिनेरियोस। तो ये इसकी एक एग्जांपल बन सकती थी। इसी तरह आपको कोई और एग्जांपल दे देता है, कहता है कि जी आपके पास 1 2 3 4 5 ये कुछ नंबर्स हैं, आपने इन नंबर्स को देखते हुए ये बताना है कि इससे कितने डिजिट्स बनेंगे ऐसे जो 5 पे डिवाइड होते हो। अब देखें, जब उसने ये कह दिया कि वो 5 पे डिवाइड होते हो, तो सिचुएशन ये बनेगी कि स्टार 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 पहले 4 ऑप्शन छोड़ के और पांचवा ऑप्शन आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 5 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो आपकी 5 की डिवीजन के लिए आखिरी नंबर को फिक्स करना पड़ जाता है। यानी कि 5 आपका होगा यहाँ पे तो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपने यहाँ पे 5 रख दिया। अब बाकी आपके पास टोटल नंबर बच गए हैं 4, और जितनों को आप परम्यूट कर सकते हैं वो भी हैं 4। तो यहाँ पे एक रिजल्ट भी बताता चलूं कि जब आप NPR लिखते हो और आपका NPN हो जाए, यानी कि R और N सेम हो जाए, तो उसका आंसर होता है N फैक्टोरियल। तो लिहाजा यहाँ पे आप N फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल करोगे तो आपके पास आंसर 24 आ जाएगा। तो 24 तरीकों से 24 नंबर बना सकते हैं, जिसमें इन 5 नंबर से 24 ऐसे नंबर्स हैं जिनके एंड पे 5 यानी कि 5 पे डिवाइड होने वाले ये नंबर्स हैं, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आपकी परमुटेशन है। अब इससे कुछ की रिजल्ट बताता हूँ जो आपके की रिजल्ट आएंगे, जिससे आपको आइडियाज होंगे कि किस तरह से आप डायरेक्ट यूज करते हुए आगे चल सकते हैं। तो उन की रिजल्ट की जानिब मूव करते हैं। ये मैं कुछ रिजल्ट्स की पॉइंट्स की तरफ जाता हूँ। की रिजल्ट्स ऑफ परमुटेशंस, लो जी ये परमुटेशंस के कुछ हमारे पास की रिजल्ट्स हैं। की रिजल्ट्स ऑफ परमुटेशंस, अच्छा जी, अब ये की रिजल्ट्स ऑफ परमुटेशन में देखिएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। अब देखिए, मैं जब ऑल एट अ टाइम ये रिजल्ट आपको मैंने बता भी दिया कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमोटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ये डिफरेंट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, वो क्या होगा, दैट इज एन पी एन एंड विच इज एक्चुअली एन फैक्टोरियल। ये पहला एक की पॉइंट है जिसको आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ नंबर्स अगर सेम आ जाते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ परमुटेशंस मैं आपको लिखता हूँ, लिख के देता हूँ, नंबर ऑफ परमुटेशंस, यहाँ परमुटेशंस की तादाद देखें, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन थिंग्स, ऑफ एन थिंग्स, अब मैंने डिफरेंट का वर्ड यूज नहीं किया, ऑफ एन थिंग्स। अब इसमें मैं बताना चाहता हूं कि एन थिंग्स में से आपने तमाम को यूज करना है, बट इधर बेशक लिख दें टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, तमाम को आपने यूज करना है, बट इसके अंदर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आउट ऑफ एन, एन में से पी, आउट ऑफ एन विच पी आर अलाइक, उनमें से पी एक जैसे हैं, मतलब मैं उसकी एग्जांपल भी दे देता हूं आपको यहां से, पी आर अलाइक एंड आर ऑफ वन टाइप, एंड आर ऑफ वन टाइप, ये एक ही तरह के हैं, एंड क्यू आर अलाइक, क्यू आर अलाइक एंड ऑफ वन टाइप। ये बड़े इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, ये बात ध्यान से देखते जाइएगा, एंड ऑफ वन टाइप, अब ये एक ही जैसे हैं। तो अब आपने देखना है देन परमुटेशंस क्या बनेंगी। अब ऐसी सिचुएशन में जो आपके पास परमुटेशंस हैं वो कुछ ये बन जाएंगी, एन फैक्टोरियल ओवर पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल, ये आपके पास इसका बन जाएगा, नंबर में एक जैसे आते जाएंगे वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप वर्ल्ड पाकिस्तान की बात करते हैं,
PAKISTAN। अब आपने इसमें देखा कि टोटल कितने लेटर्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 हैं। अब इसमें कौन से ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, तो आपको ए नजर आएगा दो दफा आता हुआ, बाकी मेरे ख्याल में कोई भी दो दफा नहीं आ रहा, तो आपको उसको पी कह दें और वो टू है। तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी फिक्टोरियल ओवर, सॉरी एन फिक्टोरियल ओवर, ये आ जाएगा एन फिक्टोरियल ओवर पी फिक्टोरियल। तो आपके पास बन जाएगा 8 फिक्टोरियल ओवर 2 फिक्टोरियल, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसकी परमुटेशन को बताना होता है। तो आपने देख लिया कि जब डिफरेंट से सिमिलर टाइप की परमुटेशन आती है तो तब आपने उसमें क्या स्कैनियो रखना है। आगे चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत और मजेदार सिस्टम के ये ट्रिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से देखते जाइएगा। अब मैं परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शंस पे बात करता हूँ। कुछ परमुटेशंस हैं जो अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, परमुटेशंस अंडर रिस्ट्रिक्शंस, परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शंस। ये परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन की जब हम बात करते हैं कि जो परमुटेशन आपकी अंडर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं वो कौन कौन सी और क्या क्या है, तो मैं इसके बारे में इसके पॉइंट देखता हूँ। नंबर ऑफ परमुटेशंस थिंक कीजिए, ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, आपके पास एन डिफरेंट थिंग्स हैं जिसकी आपने परमुटेशन बनानी है, वो किस तरह से करेंगे। टेकन आर एट अ टाइम, अब मैं इसमें लिख देता हूँ टेकन आर एट अ टाइम, अभी तक वही पुरानी बात चल रही है लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला हूँ मैं। टेकन आर एट अ टाइम, इसमें से आर आपने एट अ टाइम चूज की, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, मैं इसमें लिखता हूँ व्हेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं डिफरेंट कलर के साथ लिखता हूँ, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग, व्हेन अ, इसको मैंने कर दिया व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग, अब आ से मुराद है एक, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग, जब एक पर्टिकुलर थिंग कोई एक लाजमी इन्वॉल्व कर दी जाए, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड, इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड, जब हमेशा उसको इंक्लूड कर दिया जाए तो तब हमारे पास जो सिनेरियो बनता है वो क्या बनता है, तो फिर आपके पास क्या होगा, तो परमुटेशंस की जो तादाद आएगी वो आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन। लो जी, ये बड़ा आसान ट्रिक और फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नंबर्स हैं, और इसमें मैं कहता हूं कि आपने इसमें से एन आपके पास 6 है, आर आपके पास 3 है, तो आप जो भी अरेंजमेंट बनाएं उसमें 4 मस्ट बी इंक्लूडेड हर अरेंजमेंट में 4 लाजमी होना चाहिए। तो देखें, अब आपका तरीकाकार ये है कि इसका जवाब बनेगा 3 5 p और r में से भी एक कम कर दें 5 p 2, तो जी ये इसका जवाब आ जाएगा 3 5 p 2। अब वो कितने बनेंगे, 3 5 फिक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2, यानी कि 3 फिक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 3 5 4, 3 फिक्टोरियल पे क्लोज करें डिवाइडेड बाय 3 फिक्टोरियल, इसको इससे कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा 20 into 3 60, तो 60 ऐसे नंबर्स आएंगे जिसमें 4 मस्ट बी इंक्लूडेड होगा। तो ये विद एग्जांपल आपको चीज बता दी कि जब एक पर्टिकुलर थिंग हर अरेंजमेंट के अंदर लाजमी तौर पे मौजूद हो तो फिर हम किस तरह से करते हैं। इससे आगे करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, जरा उस नेक्स्ट ऑप्शन को देखिएगा। अब ये परमुटेशन की दूसरी बात है जिसकी बात करना चाहता हूँ, और वो ऑप्शन डी या सेकंड ऑप्शन में मैं लेके आ रहा हूँ।
और उसको मैं लिख रहा हूँ कि जी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। अब इसमें हमने क्या करना है, टेकन आर एट अ टाइम, अब्दुल रहमान वेलकम, टेकन आर एट अ टाइम, जब आपने आर एट अ टाइम सपोज करनी है, अब्दुल रहमान ये स्टेटमेंट लिख के मैं आपको बताता हूँ, टेकन आर एट अ टाइम ओके सर, व्हेन एस पर्टिकुलर थिंग्स, इसको भी मैं डिफरेंट कलर के साथ लिखता हूँ जैसे मैंने पहले वाले को डिफरेंट कलर के साथ लिखा, टेकन एस एट अ टाइम, एस एट अ टाइम, इसमें से एस पर्टिकुलर थिंग्स को आपने एट अ टाइम सपोज कर लिया। अब देखिएगा, टेकन एस एट अ टाइम, अब आपने क्या करना है, आर एट अ टाइम टेकन एस एस एस, ये एस को लिखिए, टेकन एस मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, इन ईच अरेंजमेंट, टेकन एस आर एट अ टाइम, एस मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, तो देन इसकी जो फॉर्मूला बनेगा, जो ट्रिक बता रहा हूं, देन इसका ट्रिक क्या, वो ये है एस फैक्टोरियल इनटू आर माइनस एस माइनस वन, इसको क्लोज कर दें, और एन माइनस एस पी आर माइनस एस। अब्दुल रहमान भाई इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, जरा गौर कीजिएगा, उसने ये कहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपने फाइंड करनी है एन डिफरेंट थिंग्स की, टोटल हमारे पास एन चीजें हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 50 हैं, कुछ भी हैं, उसमें से यूज करेंगे जिसमें से एस पर्टिकुलर थिंग्स को मस्ट इंक्लूड करना है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पे देखें टोटल हमारे पास एन जो है ना वो है, मैं कहता हूं इसमें से आर को आप रख लें 4, यानी कि चार चार नंबर्स के आपने यहां से डिजिट्स बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 5 6 7, इस तरह कुछ भी चार चार नंबर के आपने डिफरेंट जो है नंबर्स को अरेंज करना है, जिसमें से आपने क्या करना है, दो नंबर्स जो कि आप रख लें मिसाल के तौर पे 3 और 5, मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, टोटल आपके पास 6 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स का आपने इसमें से कपल्स जोड़े बनाने हैं, वो जो चार चार नंबर्स के आपने नंबर्स तरतीब देने हैं, जिसमें से 3 और 5, यानी कि 2 नंबर्स हैं 3 और 5 जिनको हर अरेंजमेंट में रखना है। इससे पहले वाला जो ट्रिक मैंने अब्दुल रहमान बताया उसमें मैं बता रहा था कि जब एक नंबर को फिक्स करना हो तो क्या तरीकाकार होता है, और जब ज्यादा नंबर्स को फिक्स करना हो तो फिर क्या तरीकाकार होता है, उसका ये आपको बता रहा हूं। अब देखिए फॉर्मूला के मुताबिक आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल, इसमें से 4 माइनस 2 माइनस 1, और एन माइनस एस यानी कि 6 माइनस 2 आ जाएगा 4, पी आर माइनस एस यानी कि 4 माइनस आपके पास जब आएगा 2 तो वो भी आ जाएगा 2। तो जी इसको सॉल्व करते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 4 माइनस 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा, 4p2, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। लो जी इसको सॉल्व करते हैं, 3 4 फैक्टोरियल है 24 बन जाता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, इधर बाहर 2 भी आता है, सॉरी ये इससे कैंसिल हो गया, तो अब इसको 3 से जरब देंगे तो 72 नंबर्स बनेंगे ऐसे जिसमें 3 और 5 फिक्स हो जाएगा, 3 और 5 हर अरेंजमेंट में आएगा, हर अरेंजमेंट का लाजमी पार्ट होगा 3 और 5। ठीक हो गया इस बात की अब्दुल रहमान भाई, समझ आई आपको? यस सर, ठीक हो गया, इससे आगे मूव करता हूँ, पीछे वाला भी सारा लेक्चर जो अभी तक हो गया वो मैं आपको अभी जब इसके नोट्स भी जो बने हैं वो भी सेंड कर दूंगा, और वीडियो भी अभी मैं फौरी तौर पर अपलोड कर दूंगा। अच्छा आगे चलते हैं।
इससे आगे अगली अरेंजमेंट में चलते हैं। ठीक है, और 20 दरअसल 73। अच्छा ये था कि जब आपने फिक्स कर दिया कि कुछ चीजें आपने मस्ट इन्वॉल्व करनी है। अगला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी पार्ट में आपके सामने लिखता हूँ। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। आपके पास एन डिफरेंट थिंग्स हैं, चीजें हैं जिनको आपने परम्यूट करना है। किस तरह से करना है? टेकन आर एट अ टाइम, टेकन आर एट अ टाइम, वही सिंपल डेफिनेशन वाली बात है। टेकन आर एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग, बहुत बहुत ही खूबसूरत बात, व्हेन। अब मैं आ के लिए डिफरेंट कलर यूज करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस। व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट, इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट, नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। अब इसकी भी एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इसका बनेगा एन माइनस वन पी आर, एन माइनस वन पी आर। अब देखें अब्दुल रहमान भाई, इसमें ये कहा गया, मिसाल के तौर पे मेरे पास वही एन आपके पास सिक्स आ जाता है, वो जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमने कहना है कि यहाँ पे फोर शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ, फोर शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी अरेंजमेंट, एनी अरेंजमेंट। फोर किसी भी अरेंजमेंट में नहीं आना चाहिए, और आप जो भी अरेंजमेंट बनाए वो तीन नंबर्स की हो। मिसाल के तौर पे 123, 124, मतलब इस तरह के नंबर्स होने चाहिए। बट हमारी कंडीशन ये है कि फोर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी अरेंजमेंट, फोर किसी भी अरेंजमेंट में नहीं आना चाहिए। तो अब्दुल रहमान भाई, फॉर्मूला फिर क्या बन गया? एन माइनस वन सिक्स माइनस वन, विच इज एक्चुअली फाइव, पी थ्री। लो जी, इसको सॉल्व कर दें। 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, और ये आ जाएगा 5 माइनस 3 2 2 1, ये इससे कैंसल और जवाब हमारे पास आ गया 60। तो 60 ऐसे नंबर्स बनेंगे इस अरेंजमेंट के अंदर जिसमें तीन तीन नंबर्स की आप अरेंजमेंट बनाएंगे और उसमें चार कभी भी नहीं आएगा, वो ऐसे 60 नंबर्स बनेंगे। जी रहमान भाई, समझ आई इसकी? यस सर। ओके, जहां कोई इशू बने प्लीज फौरी मुझे बताया जाए। अब हम ये तो एक नंबर को फिक्स किया था, अब हम इसमें आगे चलते हैं और इस बात को थोड़ा सा बदलते हैं। 74। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, डी पार्ट पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, ऑल एट अ टाइम। अब इसमें अब्दुल रहमान भाई, इसमें देखिएगा किया क्या है। पहले हम कहते थे टेकन आर एट अ टाइम, यानी कि कुछ सिलेक्ट करते थे। अब हमने जिन नंबर्स को परम्यूट करना है उन सबको ही रीअरेंज करना है, जैसे वो 6 नंबर्स वाली एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो 6 के, यानी कि आर भी अब 6 हो गया है, एन भी 6 है, टेकन ऑल एट अ टाइम तो आर भी 6 है। अब अगली बात देखिएगा, व्हेन अनस्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज, बहुत ही खूबसूरत बात, व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग्स, ये कलर चेंज कर देते हैं। व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग्स, व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग्स, व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग्स, जब इसमें से कोई एम स्पेसिफाइड थिंग्स जो है आपने
वो आपने क्या कर ली, ऑलवेज कम टूगेदर। ऑलवेज ऐसा एक सवाल है भी आपकी बुक में, मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, ऑलवेज कम टूगेदर। वहां तो हम कुछ और जो मेथड है उससे करते हैं, यहाँ हमने ट्रिक से करना है। When M specified things come together, अच्छा उसकी जो permutation बनेगी वो बनेगी M factorial cross N minus M plus 1 factorial। अच्छा अगर आपको याद हो अब्दुल रहमान भाई, एक सवाल है 7.4 के अंदर, उसमें कुछ उसने नंबर दिए, फर्ज करें 1, 2, 3, 5, 8 ये नंबर्स हैं। वो आपको ये कहता है कि इसमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर हैं। ये मेरे ख्याल में 7वां या 8वां सवाल है 7.2 का। 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर वाली बात करते हैं। ये ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि जब कोई फिक्स नंबर आप कह दें कि वो इकट्ठे ही आने चाहिए तो फिर परमोटेशन का तरीका कार क्या होगा। बहुत आसान बात है, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो आपको फौरी बात समझ आ जानी चाहिए। टोटल एन इसमें अब्दुल रहमान भाई कितना है, इस एग्जांपल में एन कितना है? 5। एन है 5, 1, 2, 3, 4, 5 जितने टोटल नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं जो आप कह रहे हैं कि वो इकट्ठे आने चाहिए? मैं अब्दुल रहमान भाई ये कह रहा हूँ ना, कितने m specified numbers come together। मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि 2 and 8 are next to each other आए, 2 and 8 तो दो numbers है ना जिसको मैं इकट्ठे लाना चाहता हूँ, बाकी तरतीब तो सबकी लगेगी। वो आप ठीक कह रहे हैं, आर को एट अ टाइम मैंने सब कंप्लीट लेने, मैं सबको रीअरेंज करूंगा, लेकिन इसमें से दो ऐसे नंबर्स हैं जो फिक्स कर दिए गए हैं जो हर दफा इकट्ठे आएंगे, वो है 2 and 8। वो 82 भी की शक्ल में भी आ सकते हैं, वो 28 की शक्ल में भी आ सकते हैं, इकट्ठे आना है ना जिस भी तरीके से आए। लेकिन हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करें जरा, वो दो नंबर्स हैं। अब यहां पे आ जाएगा 2 factorial cross 5 minus 2 plus 1 factorial। 2 factorial 2 होता है, ये आ जाएगा 5 minus 2 3, और 3 को 1 में ऐड किया तो 4 factorial होता है आपका 24, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 48। लो जी 48 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच अदर आएगा। अगर आपके पास बुक हो तो आप 7.2 का ये 7वां या 8वां सवाल देख भी सकते हैं, और आई थिंक सो उसका भी आंसर सेम ऐसे ही, लेकिन वो हम ऐसे करते होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पहले हम सपोज कर लेते हैं कि 82 हमारा इकट्ठा आएगा, तो हम ऐसे रख लेते हैं नंबर्स 1, 3, 5 और 82 को एक बना लेते हैं, और इसकी परमोटेशन चार नंबर्स की फाइंड करते हैं, वो 24 बन जाता है। फिर हम करते हैं 1, 3, 5 और 28 को एक बना लेते हैं, फिर हम इसको रीअरेंज करते हैं, वो 24 बन जाता है। 24 और 24 को प्लस करते हैं तो वो 48 बन जाता है। तो आप देखें इस तरह भी 48 आ रहा है। ये एक डायरेक्ट ट्रिक है जिसमें आपको कोई नंबर्स की अरेंजमेंट करके नहीं देखनी पड़ेगी, सीधा सीधा आपको बस ये बताना है कितने नंबर्स हैं जिसको आपने फिक्स रखना है एक जगह पे, और बाकी आपको टोटल नंबर्स का पता होना चाहिए, आप उससे फॉर्मूला बना सकते हैं। जी रहमान भाई समझ आई बात? हेलो इससे आगे चलते हैं। 75 अच्छा जी, ये इस तरह से आ रहे थे हमारे पास। अब आखिरी इसका पॉइंट जो है, और फिर सर्कुलर परमोटेशन पे बात करके हम एक दफा परमोटेशन वाले लेक्चर को क्लोज करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जो है कॉम्बिनेशन वाला। अच्छा जी ई पॉइंट पे मैं आता हूँ, और ई पॉइंट पे मैं बताने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ परमोटेशंस आपने फाइंड करनी है ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ परमोटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स
taken all at a time, taken all at a time, then, यहां पे देखिएगा, पहले मैं कह रहा था कि वो नंबर्स इकट्ठे आए, अब मैं ये कह रहा हूं कि when m specified things, ये बात गौर कीजिएगा, when m specified things, जब m specified things हैं, वो क्या हों, never come together, इसको भी मैं different color के साथ लिख देता हूं, never come together, पहले हम कह रहे थे कि वो इकट्ठे आए, अब हम कह रहे हैं कि वो इकट्ठे ना आए, तो कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, तो बच्चे उसका फॉर्मूला क्या है, वो जो पहले इकट्ठे वाला फॉर्मूला था, वो जो पहले आपने लिखा, टोटल में से उसको माइनस करने, अब वो था m फैक्टोरियल क्रॉस n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल, लो जी ये टोटल परमुटेशंस आ जाएंगी, और उसमें से ये कम्स टुगेदर वाली माइनस कर दें तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल को अगर आप देखें तो n 5 था, तो n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल 120 बनता है, फिर वो कम्स टुगेदर वाला जो इसका आंसर था m फैक्टोरियल क्रॉस n माइनस m प्लस 1 वाले का, वो आपके पास आंसर आया था 48। अब टोटल में से यानी कि इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 120 में से उस 48 को माइनस करें तो 72 ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं आएंगे, जिसमें 2 और 8 2 एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेटिव बात, अब हम इससे आगे मूव करेंगे और सर्कुलर परमुटेशंस पे बात करके फिर मैं इसको एक पॉइंट अप करूंगा और फिर सर्कुलर परमुटेशंस। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो अब्दुल रहमान जी, अब अभी आवाज आ रही है? आ रही है, मतलब सही नहीं आ रही बस। यार क्या मैं एक मिनट पंखा बंद कर, जी रहमान भाई अभी आवाज आ रही है? हेलो 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 जी रहमान, आपको अभी आवाज आ रही है? रहमान आपको जी आप देखें, अगर मैं वॉल्यूम टेस्ट आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ इनपुट लेवल पे, तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि आवाज मेरी यहाँ पे बिल्कुल जो है वो सही आ रही है। हेलो हेलो यस सर, मैंने कहा ये देखो मैं आपको वॉल्यूम टेस्ट करवा रहा हूँ इसका, ऑडियो सेटिंग्स में जाके, तो ये आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इनपुट लेवल्स यहाँ पे कैसा है, वो बिल्कुल सही ब्लिंक कर रहा है, आगे तक जा रही है ये वाली बार जो है। अभी आप मुझे बताएं आपकी आवाज आ रही है ना? अच्छा जी, सर्कुलर परमुटेशंस में आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स की बात,
नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स, जो सर्कुलर अरेंजमेंट्स तादाद होती है या परमुटेशन होती है ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स की, ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स की वो कितनी होती है, अगर आपको गौर कीजिएगा, एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स इज वो बनती है एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये एक पॉइंट याद रखें। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन हैं जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो, सर्कुलर परमुटेशंस विद क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम हो, तो फिर आपके पास जो फॉर्मूला होता है 1/2n-1 factorial होता है। ये आगे मैं एग्जांपल्स भी देता हूँ। तो ये दो फॉर्मूले बस आपने याद रखे। इसमें आप रहमान भाई ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है एग्जांपल में दूंगा, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी जो आपके पास सर्कुलर टेबल टाइप कोई डिस्कशन हो रही है, एक टेबल है जिसके अराउंड बैठ के जो भी आप बात कर रहे हैं सो कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में आपके पास क्या है, उस मीटिंग में उसके साइडों पे चेयर्स लगी हुई हैं और उन चेयर्स के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, और वो जब उसमें आपने अरेंजमेंट्स की बात करनी है तो वो वाली अरेंजमेंट जो आपकी वो फॉर्मूला बनेगा एन माइनस वन फैक्टोरियल का। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाहता हूँ जिसके अंदर से जो सर्कल है वो फिल्ड होता है, तो ऐसी जो आपके पास अरेंजमेंट्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल। और एक होता है लेट्स नेकलेस, आ गया आपके पास, आपने नेकलेस की बात की तो वो अंदर से खाली हूप होता है, तो उसमें जब आप बीड्स लगाते हैं तो देखें आप मिरर के सामने खड़े हो ए बी सी डी, तो आपको जो ए और बी है वो अपनी पोजीशन पे ही नजर आएगा, सी और डी आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे। जब आप एक नेकलेस को मिरर के सामने करेंगे तो सी जो है वो जैसे आपको अपना लेफ्ट आर्म राइट आर्म की जगह पे नजर आ रहा होता है, राइट लेफ्ट की जगह पे नजर आ रहा होता है, तो ये दो बातें चेंज हो जाएंगी, लेकिन ए और बी आपके सर और पांव तो अपनी अपनी पोजीशन पे होते हैं, वो चेंज नहीं होते, लिहाजा इसमें हाफ परमुटेशन हो जाती हैं, इसलिए इसके साथ 1/2 यूज किया जाता है n माइनस 1 के साथ। लो जी ये कुछ डिस्कशन परमुटेशन की। अब एक शॉर्ट ब्रेक सिर्फ 2 से 3 मिनट की और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर। जी जी सर, आपको इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट्स ओके सर। अभी हम जाते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह तबारक ताला हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है, सो मिलते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद। आप मैं अभी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जैसे ही ये ख़त्म हो तो आप फौरी तौर पे उसको जो है आपके लिए अवेलेबल हो, सो कॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा। ओके सर।